अस्सलाम वालेकुम। तो बर्ड नेस्ट पाइथन का अभी एक सेकंड प्रोटोटाइप है ये आपके सामने। बर्ड नेस्ट पाइथन के ऊपर मज़ीद थोड़ा सा काम अभी होगा। स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से, वही सीक्रेट पॉकेट एज इट इज़। यहाँ पे भी है एक और ऐड की एक्स्ट्रा। अब ये ट्रैवल बैग भी है और उसके अलावा ये अब आपका एवरीडे यूज़ बैग भी है, लैपटॉप बैग जिसे कहते हैं या स्टूडेंट बैग। ये हेडफोन्स लटकाने के लिए, हेडफोन जो बड़े वाले होते हैं वो वाले, उसको लटकाने के लिए। अब क्योंकि ये ट्रैवल बैग है, ट्रैवल बैग में एक अलग कंपार्टमेंट हमने बनाया है जो एक्सटेंड हो जाता है। इसको बंद करेंगे तो ये कंप्रेस हो जाएगा। अब इसके अंदर ना बड़ी गठरी तक आराम से इसके आगे पूरी आ जाती है। तो इसको अच्छा खासा फुल किया हुआ था हमने, और इसको बाद में अगर आप चाहें तो इसको आप बाद में इसको स्क्वीज कर सकते हैं यहाँ जिपर से। तो ये बैग पतला भी हो जाता है, अगर आपको इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें डालनी है ना तो ये बैग फूल भी जाता है। और अब इस बैग के साथ ना हमने इस बैग के ऊपर वाले हिस्से पे सामान रखने के लिए यहाँ पे हमने कुछ सिस्टम जैसे बनाए हैं, जिसके साथ ना आप ये चीज़ इसके आगे क्लिप करेंगे और एक चीज़ इसके पीछे क्लिप करेंगे और इसके दरमियान आप अपना सामान रख सकते हैं इस तरह। तो उसके साथ अब जो इसकी बैक साइड है ना, अंदर जाने से पहले आपको इसकी बैक साइड दिखा दें। इसकी बैक साइड के अंदर थोड़ा डिज़ाइन में हमने चेंजिंग की है। इसके साथ अब वेस्ट बेल्ट भी होगी क्योंकि इसमें ट्रैवल फीचर्स भी हैं। नीचे तो वही स्लाइड, हैंडल स्लाइड करने वाला सिस्टम, और एक नीचे हम एक पॉकेट अभी बनाएंगे जिसके अंदर आप अपना ना वो रेन कवर रख सकते हैं। रेन कवर भी इसके साथ आएगा। तो रेन कवर के सीन्स कुछ ऐसे होंगे, इसको आपने जेट करना है, रेन कवर ने बाहर आ जाना है, ठीक है, फिर आप इसके ऊपर चढ़ा सकेंगे। और बाय द वे यहाँ पे पॉकेट तो हमारी रहेगी, बट ये आपकी पासपोर्ट पॉकेट बन जाएगी, ठीक है, साइड पे। और इस बैग के अंदर एक ज़बरदस्त चीज़ हमने एक और ऐड की है कि इसकी साइड के ऊपर ना काफ़ी लंबी जिप कर दी है, और इसमें अब आपकी कीज़ रखने का सोल्यूशन है। कीज़ पहले आप आगे रखते थे, अब हमने साइड पे कर दी है ताकि आप साइड पे कीज़ रखें। और ये पॉकेट सिर्फ इस साइड पे नहीं है, इस साइड के ऊपर भी है, दोनों साइडों पे है, जो आपको फिजिबल लगे आप उसमें रखें। और सेकेंडली आपको ये भी बता दें कि ये जो पॉकेट है ना, इसमें आपका व्लॉगिंग करने वाला, व्लॉग करने वाला कैमरा भी पूरा आ जाता है। ये मैश पॉकेट्स हैं, डिज़ाइन थोड़ा चेंज कर दिया पॉकेट, क्योंकि ये साइड थोड़ी पतली थी तो इसका डिज़ाइन हमें साथ उसके चेंज करना पड़ा है। और अब दोनों साइड्स के ऊपर ना आपको यहाँ पे जिस तरह एक यूएसबी की स्टिक मिलेगी, यहाँ यूएसबी का प्लग नहीं लगता, तार अंदर से जब बाहर आ जाती है बाहर से अंदर चली जाती है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें वही सिस्टम है, अच्छी खासी बुक्स आ जाती हैं इसमें पूरी। उसके अलावा यहाँ वेलक्रो पैनल होगा जिसपे पॉकेट्स भी आपको साथ मिलेंगी। ये टैबलेट के लिए है, ये लैपटॉप के लिए है, और एज इट इज़ इसकी कुछ चीज़ें सेम जैसी पहले रखी हैं वैसी ही हैं। और हमारा जो ट्रायंगल सिस्टम है जिसके साथ अब आपको ना कुछ एक्सटेंशंस इसके साथ अलहदा से लेनी पड़ेंगी, अब वो भी अभी हमने इंट्रोड्यूस नहीं की, हम जल्द इंट्रोड्यूस करेंगे। टेनिस रखने के लिए या बैडमिंटन रखने के लिए या स्क्वैश रखने के लिए यहाँ सामने ना एक एक्सटेंशन मिल जाएगी। मोटरसाइकिल का हेलमेट रखने के लिए भी एक एक्सटेंशन होगी जो आप इसके आगे हैंग कर सकते हैं, ताकि आपका ये स्पोर्ट्स बैग भी बन जाए। तो अभी तो बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए। इसके अगर बैक साइड पर देखें ना हम, तो इसकी बैक साइड पे भी डिज़ाइन थोड़ा चेंज होगा। तो ये हमने हाई अपलॉन यूज़ किया है, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा हम्प बनाया है, हम्प कि आपका हैंडल अंदर से आता तो इधर स्टिक नहीं करेगा, यहाँ ऊपर स्लाइड कर देगा। तो अभी बहुत मज़ेदार काम इस बैग में आपको आगे देखने को मिलेंगे। अभी तक के लिए तो इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।